अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरी आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही जायके वाले पाई की रेसिपी है जो कि हम घर में तैयार करेंगे घर के मसालों से। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। घर के मसालों में जो मसाले मैंने यूज़ किए हैं, यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून साबुत धनिया, 2 से 3 अदद मैंने 1/2 इंच के टुकड़े लिए हैं दालचीनी के, 1.5 अदद मैंने लिया है बादियान का फूल, 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है मैंने एक साबुत काली मिर्च, 3 अदद हरी इलायची ली है, 1/2 टीस्पून इसमें अजवाइन ऐड की है, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने कलौंजी ली है, 1 टीस्पून मैंने सौंफ ली है, 1 टीस्पून इसमें लिया है ज़ीरा, 2 अदद तेज़ पत्ते लिए हैं, 2 अदद बड़ी इलायची, 1/2 इंच के 2 टुकड़े मैंने लिए हैं यहाँ पर पिपली के, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर बनाता है, पाए हो या निहारी इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है इससे। 3 से 4 अदद मैंने इसमें ऐड किए हैं लौंग, 2 अदद तेज़ पत्ते ऐड किए हैं, 1/4 टुकड़ा हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जायफल का। मैं यहाँ ऐड करना भूल गई हूँ, आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे मसाले हम पीस लेंगे, तो पीसते वक्त मैंने इसमें जायफल का टुकड़ा शामिल कर लिया है। और जो दूसरे मसाले हैं वो भी नोट कर लीजिए आप, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ली है पेपरिका पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है हल्दी, नमक मिर्च हसबे जायका इस्तेमाल कीजिएगा। अभी जो मैं प्याज़ यूज़ कर रही हूँ सिर्फ 1 अदद प्याज लिया है मैंने, इसे ग्राइंड कर लिया है, और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 1/2 कप दही लिया है। टोटल इसमें जो प्याज जाएगी वो आपने 4 से 5 अदद लेने हैं मीडियम साइज़ के, और 3 टेबल स्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। अभी सबसे पहले मैंने 1 अदद पाया लिया है, गाय का पाया है ये, और इसके पीसेस करवा लें आप अच्छे से। और अब इसको मैं वॉश करने का तरीका आपको बता रही हूँ कि आपने इसको कैसे वॉश करना है। तो अभी मैंने इसमें 3 टीस्पून सिरका ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, और इसको मैंने थोड़े से पानी में डिप करके इसे पकने के लिए रखा है। जस्ट मैं इसे एक बॉयल पर फ्लेम से उतार लूँगी और फ्लेम को मैं हाई रखूँगी, आप भी हाई फ्लेम पर इसको बॉयल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हमें इसको बॉयल नहीं करना। तो आप देख सकते हैं अब ये तमाम पानी मैं डिस्कार्ड कर दूँगी और इसे निकाल कर मज़ीद जो है वो साफ़ करूँगी। पाए में एक स्मेल होती है और झाग सी बनती है जो कि हमें निकाल देनी है, और वो मैंने जो एक पानी का बॉयल दिया है उसमें सब निकल गया है, तो मैंने वो पानी जो है डिस्कार्ड कर दिया है, उस पानी को अब मैं ऐड नहीं करूँगी। और छुरी की मदद से अब इस पर जो हमें हल्की हल्की सी स्किन नज़र आ रही है वो हम खुरच लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पाए ऑलरेडी नीट एंड क्लीन है, और मज़ीद हम इसको क्लीन कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी पाए बनेंगे घर के मसालों से, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के। और इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें यहाँ पर 1/2 केजी बीफ ऐड किया है। अब मैंने यहाँ पर जो है एक पतीली ली है और पतीली में इन तमाम पीसीस को ऐड कर दिया है, और अब जो है फ्लेम को मैं मीडियम रखूँगी और मैं इसे पकाने के लिए रखूँगी। मैं इनको कुकर पे नहीं बनाऊँगी क्योंकि ये जितना अच्छा पकते हैं उतना ही अच्छा फ्लेवर देते हैं, कुकर में झटपट तैयार हो जाने वाले पायों का वो टेस्ट नहीं आता जो इसका आता है। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 अदद प्याज जिसे मैंने ग्राइंड किया हुआ है, और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, और इसे अब मैं 2 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने रख दूंगी। और अब आप देख सकते हैं ये वो मसाले हैं तमाम जो मैंने आपको बताए थे, इन्हें मैंने पीस लिया है, जो तमाम साबुत मसाले थे उनको मैंने पीस लिया है, और अब मैं उस तमाम मसालों को इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। और आप देख सकते हैं हमारा पाए का मसाला जो है वो तैयार है। आप इस तरह से कंप्लीट मसाला तैयार करके सेव भी कर सकते हैं। इस मसाले से आप 2 बार पाए तैयार कर सकते हैं। तो अब मैंने जो है वो 2 घंटे के लिए पाए जो हैं वो तैयार पका लिए हैं, यानी इतने तैयार हो चुके हैं कि वो 60% गल चुके हैं। और अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ किया है और दूसरी तरफ मीडियम फ्लेम ऑन करते हुए मैंने इस पर रखा है एक पतीली को, उसमें ऐड किया है मैंने 1/2 कप घी और 3 अदद मैंने प्याज ग्राइंड की हुई ऐड की हैं, जिन्हें मैंने गोल्डन ब्राउन होने पर अब उसमें ये बॉयल्ड पाए जो हैं वो ऐड कर दिए हैं, और इसकी जो यखनी है वो मैंने साइड पे रखी है। तो आप देख सकते हैं अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तो
आपने जस्ट 5 मिनट्स तक इन पाए को इसमें प्याज के साथ भून लेना है ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। और इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करना है। और अब मैंने इसमें ये मसाला ऐड कर दिया है। आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, सारा एकदम से ऐड नहीं करना है इसमें ये मसाला। नमक मेरे हिसाब से कम है इसलिए मैंने और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया है। और मसाला जो है मज़ीद ऐड करेंगे, थोड़ा सा मसाला उसमें से बच जाएगा, सारा मसाला नहीं डाल देना है आपने। और अब मैं जो हूँ दही को अच्छे से बीट कर रही हूँ और दही को आपने फेंट कर इसमें डालना है। ध्यान में रखिएगा कि दही जो है फ्रेश होना चाहिए। और अब मैं इसको दही के साथ अच्छे से भून लूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इन मसालों की, बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे आपके ये पाए। मेरी रेसिपी को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा और कम्प्लीटली फॉलो कीजिएगा ताकि आपके पाए भी बिल्कुल ऐसे ही बने जैसे मैंने तैयार किए हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल के पाए आप घर में तैयार कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ। तो आप देख सकते हैं कि घी जो है वो ऊपर आ चुका है और मैंने अब इसमें सारी स्टॉक इसमें ऐड कर दी है जो कि 2 घंटे के लिए मैंने पाए पकाए हैं। तो 2 घंटे के बाद मैंने उसमें से तमाम पाए के पीसेस निकाल कर फ्राई किए हैं और यखनी जो है वो इसमें ऐड कर दी है। और मज़ीद जो है मैं इसको 2 आवर्स के लिए पकाऊंगी। टोटल आपको 4 घंटे लगेंगे, 4 से 5 घंटे लगेंगे आपके पाए कम्प्लीटली अच्छे से गल जाएंगे और बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी बिल्कुल जो स्किन है वो अलग हो चुकी है और बहुत ही अच्छे से हमारे पाए गल चुके हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, 4 घंटों के टाइम में ये बहुत अच्छे से पाए गले हैं, बहुत अच्छे तैयार होते हैं। आप इसे कम्प्लीटली कवर करके पकाइएगा और फ्लेम को मीडियम रखिएगा, बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। जितना ज़्यादा ये पकते हैं उतना ही अच्छा फ्लेवर बनता है इनका। तो जनाब मैंने इसे सर्व कर लिया है बाउल में, आप इसको सर्व कीजिए नान के साथ, चपाती के साथ, अपनी फैमिली को बनाकर खिलाइए, फ्रेंड्स की कीजिए दावत या फिर घर में किसी ने आना हो तो स्पेशली आप पाए की रेसिपी को ट्राई कीजिए। बहुत ही मज़ेदार से ये पाए तैयार होते हैं, बहुत ही टेस्टफुल। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।